नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवारी है, कॉर्निया कैटरेक्ट और लेजिक सर्जन। पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो हमारे पास कंजंक्टिवाइटिस लेके आए हैं। कि कंजंक्टिवाइटिस एक सीजनल एपिडेमिक बीमारी है। जनरली ये संक्रमण बारिश के मौसम में बहुत तेजी से फैलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंजंक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई या रेड आई के क्या लक्षण होते हैं, हम घर पे रह के इसका क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हमें इसका संक्रमण रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। कंजंक्टिवाइटिस जनरली एक या दोनों आंखों में लालपन से शुरू होता है, आंखों में अचानक से लाली आना, आंखों में पानी आना शुरू हो जाना, आंखें सूज जाना, आंखों में स्वेलिंग आ जाना, आंखों में मवाद या फिर पस आना शुरू हो जाना, आंखें चिपकना शुरू हो जाना, सुबह उठ के आंखें चिपकी मिलना, ये सारे लक्षण कंजंक्टिवाइटिस के देखे जाते हैं। कंजंक्टिवाइटिस मुख्यतः दो तरह की होती है, या तो ये वायरल होती है या फिर ये बैक्टीरियल होती है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस में पस और डिस्चार्ज उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर वायरल कंजंक्टिवाइटिस के ऊपर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाएं तो वहाँ पे भी आंखें बहुत चिपचिपी हो सकती हैं। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में बहुत अधिक डिस्चार्ज आता है, आंखें बहुत ज़्यादा चिपकती हैं, आंखें सूज जाती हैं और सिम्टम्स काफ़ी गंभीर होते हैं। देखिए, अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस है तो आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर ड्रग्स या फिर ओवर द काउंटर मेडिकेशन से मेरा मतलब है जो मेडिकेशंस मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती हैं। जनरली हमने देखा है कि पेशेंट्स मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयाँ लेके आ जाते हैं। दोनों ही कंजंक्टिवाइटिस के ट्रीटमेंट में थोड़े थोड़े अंतर है। उसका ट्रीटमेंट हमें पेशेंट का पूरा एग्जामिनेशन करके ही करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको घर पे करनी है कि इसका संक्रमण आप रोकें और आपके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये संक्रमण ना होने दें। इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर वन, आपको आंखों को बार बार रब नहीं करना है। आंखों से अगर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो अपने पास टिश्यू पेपर रखें, टिश्यू पेपर से अपने टीयर्स को वाइप आउट करें और उन टिश्यू पेपर्स को डिस्कार्ड कर दें। अपने डे टू डे सामान को अलग रखें, बेडशीट और पिलो कवर्स डेली चेंज करें। अगर आप ऑफिस से या फिर अपने स्कूल से छुट्टी ले सकते हैं तो कुछ दिन की छुट्टी ले लें। काला चश्मा पहन के रखें क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस में धूप सहन नहीं होती है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। इन सब चीज़ों की मदद से आप कंजंक्टिवाइटिस को काफ़ी हद तक स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। आपको आंखों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हम आपका पूरा एग्जामिनेशन करके डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह के मेडिकेशंस की ज़रूरत है। ज़्यादातर कंजंक्टिवाइटिस के केसेस सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, उसके लक्षण अपने आप ही हफ्ते या दो हफ्ते में इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये गंभीर रूप भी ले लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद ही अपनी दवाइयाँ शुरू करें।